सेंट एंड्रयूज कॉलेज में 18 जनवरी से चल रहे रोवर्स रेंजर्स के 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने शिविर का निरीक्षण किया। रोवर्स रेंजर्स ने अपने अपने शिविरों की विशेषताओं के बारे में मुख्य अतिथि को अवगत कराया। मुख्य अतिथि ने कहा कि रोवर्स एंड रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से शारीरिक और बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करके एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना लाल, विद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर जे के लाल, उपाचार्य डॉक्टर एस डी शर्मा, मुख्य नियंता वीवी सिंह, रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर विद्यावती, रोवर्स प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार यादव सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। काम जिंदगी से मखमूर मनाए, इस सर जमी पे तूने लाखों दिए जलाए, ऐ शम्मल सकारात्मक भूमिका को भी कर रहे हैं। इसी का भी प्रचार व कॉलेज के सभी कार्यक्रम बढ़ जाइए। कॉलेज लाइफ या विद्यालय लाइफ में
पढ़ना लिखना ही काफी नहीं होता है, उसके अलावा जो विद्यालय में महाविद्यालय में जो और जो गतिविधियां होती हैं उसमें जो भाग लेते हैं वो एक बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हम अपना जो चरित्र है, अपना व्यक्तित्व है, उसको सर्वांगीण विकास के लिए ये जो इधर उधर की जो गतिविधियाँ होती हैं, चाहे खेल की गतिविधि हो या दूसरे स्काउट गाइड की हो, NCC हो, NSS हो, इसका हमारे व्यक्तित्व निर्माण में काफ़ी योगदान होता है। भविष्य में जाकर ये जो आप गतिविधियों में एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में भाग लेते हैं इसका ज़्यादा महत्व होता है, वनस्पत इसके कि आप केवल अकेडमिक्स में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, वो तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ में अगर पूरा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए इन कार्यक्रमों में, इन जो विद्यालय में महाविद्यालयों में ही ये सुविधा उपलब्ध होती है कि इन कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो पाए। अदरवाइज अभी आजकल तो सिस्टम पढ़ाई का दूसरा भी आ गया, घर में बैठ के भी आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन है, डिस्टेंस एजुकेशन है, दूसरी विधाएं हैं जिसमें कि आप अपना अकेडमिक्स तो विकसित कर सकते हैं लेकिन इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो नहीं, उसमें भाग लेके अपने व्यक्तित्व को सर्वांगीण बना सकते हैं। इसमें बेसिकली पूरा ब्रह्मांड को देखें तो हम लोग आपस में एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं, आप जो हम जो सांस ले रहे हैं वो आपकी निकाली हुई सांस है, उसको हम एक दूसरे के से हम लोगों का नेटवर्किंग है। तो यहाँ जो कैंप में आप लोगों को मौका मिला एक दूसरे से नेटवर्किंग और बढ़ाने का, ये आपके भविष्य में काफ़ी काम आएगा। और जहाँ जो आपको गतिविधियाँ पिछले 5 दिनों में सिखाई गई वो भी आपके भविष्य में काफ़ी काम आएगी। इसकी जो स्काउट गाइड मूवमेंट 1909 में भारतवर्ष में चालू हुआ, इसके बाद अगर देखें तो काफ़ी मौक़ों पर स्काउट गाइड मूवमेंट के से निकले हुए लोगों ने काफ़ी अपना जो आकस्मिक दुर्घटनाएं वगैरह होती हैं उसमें काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।